नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS महिसैनी। दोस्तों हम अष्टांग हृदय की षष्ठम अध्याय की बात कर रहे हैं, अंश रूप विज्ञान की। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। इसमें से हमने जो आचार्य भागवत ने 7 वर्गों में विभाजित किया है इस चैप्टर को, सूक धान्य, सिम्मी धान्य, पकवान धान्य, मांस वर्ग, साग वर्ग, औषध वर्ग और फल वर्ग। इसमें हम सूक धान्य कंप्लीट कर चुके हैं और सिम्मी धान्य कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पकवान वर्ग की, ठीक है। आप पिछले वीडियो को जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। PG तक में क्वेश्चन आते हैं, BMS फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। इस चैप्टर से 2 या 3 छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2-2 नंबर के। हम बात करते हैं कृतान वर्ग, पकवान वर्ग। पका कर मतलब वेद अन्य जो पका कर, जैसे मांस को पकाने पर, सिम्मी धान्य को, ठीक है, सूक धान्य और सिम्मी धान्य को पकाने पर जो आहार बनता है वो कृतान्य वर्ग, पकवान वर्ग में आता है, ठीक है। इस वर्ग में मंड, पेया, बिलेपी, यवांगु, ओदन, ठीक है, सूक धान्य को पकाने से बने अन्न, यूस बनता है सिम्मी धान्य से। सिम्मी धान्य में क्या आता है? दालें, ठीक है, मांस रस, वेसावर आदि आते हैं। अब देखो इसमें दे रखा कि ये आते हैं, अब इनको आप समझते नहीं हो कि ये क्या है, मंड क्या है, पेया क्या है, बिलेपी क्या है, यवांगु क्या है, ओदन क्या है, ठीक है। अब इनको समझो, इनकी क्वेश्चन आएगा कि मंड से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बिलेपी से क्या समझते हैं, या फिर सबको एक साथ दे देगा कि मंड, पेया, बिलेपी, यवांगु, ओदन से आप क्या समझते हैं 5 नंबर में, ठीक है। एक स्पेशली पूछ सकता है, बिलेपी और पेया में अंतर पूछ सकता है, क्वेश्चन किसी तरीके से बनता है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप समझो सबसे पहले मंड, ठीक है, मंड, पेया, बिलेपी, यवांगु, ओदन, ये सब सूक धान्य से पकाने से बनते हैं, और यूस है ना जो सिम्मी धान्य से। ये बात ध्यान रखना कि सूक धान्य से मंड, पेया, बिलेपी, यवांगु और ओदन बनते हैं, और यूस से सिम्मी धान्य से बनता है, ठीक है। वेसावर मांस रस से बनता है, ठीक है, ये ट्रम्स है। तो अपन बात करते हैं मंड की, 14 गुना मतलब 1 किलो अगर चावल लिया, क्योंकि सूक धान्य में चावल आता है, 1 किलो रक्तशाली चावल लिया तो 14 किलो मतलब 14 किलो अपन जल लेंगे, मतलब 14 गुना जल लेके पकाया गया चावल सूक धान्य मंड के अंतर्गत आता है, ठीक है, समझे आप। पेया मंड का समझा आपने कि 14 गुना जल लेकर इसको छान लिया जाता है तो वो मंड है। जैसे अपन चावल पकाते हैं घर में, तब चावल पकाने के बाद में जो कपड़ों से छान लेते हैं नीचे जो मंड बनता है ना, इसमें एक भी दाव चावल का अंश नहीं रहता, ठीक है, उसको मंड बोलते हैं। तो इसमें कितना है? 14 गुना जल लेके पकाना है, कितना? 14 गुना। अब पेया में क्या है? पेया में क्या है कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, यहाँ पे अष्टांग हृदय की जो विमर्श है उसमें दे रखा है कि ये यवांगु का ही भेद है। ये सब यवांगु के भेद हैं, मंड, पेया, बिलेपी, ओदन सब यवांगु के भेद हैं, ठीक है। एक यवांगु स्पेशल भी है और यवांगु के भेद भी है, लेकिन पेया को आप जब सेकंड ईयर में जाके स्पेशली पढ़ोगे अलग से, पेया क्या है, पेया कल्पना मतलब आगे आएगा आप सेकंड ईयर में, तब आप देखोगे पेया भी 14 गुना जल लेके पकाने पर जो सोरस तैयार होता है, मतलब जो उसको छानने पर छोटे छोटे टुकड़े चावल के उसके साथ, तो मतलब सिक्त भाग ओनली द्रव के साथ छोटे छोटे चावल के टुकड़े भी होते हैं, उसे पोए पेया कहते हैं, ठीक है। मंड में भी 14 है, पेया में भी 14 है, लेकिन ये शुद्ध द्रव भाग है और ये इसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसमें अंतर है दोनों में। अब देखो क्वेश्चन कितना सा आ सकता है कि मंड एंड पेया में अंतर, तो इसमें भी 14 गुना जल है और इसमें भी 14 गुना जल है, लेकिन ये शुद्ध द्रव भाग है, इसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े भी साथ में रहते हैं, ये इतना सा अंतर है, ठीक है। अब यवांगु क्या है? यवांगु है कि 6 गुना जल लेकर, कितने? 6 गुना, ये कितने हो गए? 14 गुना, दोनों बीच में बिलेपी रह गया, बिलेपी को अपन करेंगे, यवांगु को 6 गुना, ठीक है, और बिलेपी है 4 गुना, इसलिए मैंने यवांगु पहले किया कि अपन 14 6 4, 4 गुना जल लेके पकाया गया हुआ भात बिलेपी कहलाता है, 14 गुना जल लेके पकाया गया भाग मंड और पेया, पेया में चावल के टुकड़े होते हैं और मंड में शुद्ध द्रव भाग होता है छानने के बाद, ओदन 5 गुना जल लेकर पकाया गया
चावल या सूख दाने ओदन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। सूख दाने को पकाने से बने अन्न। ठीक है, यूस, यूस क्या है, यूस की परिभाषा क्या है, मूंग का जल में परिपाक करके, मतलब दालों का जल में परिपाक, मतलब परिपाक मतलब पकाते हैं, पकने के बाद में जब छान लेते हैं, छानने के बाद जो रस तैयार होता है उसे यूस बोलते हैं। ठीक है, तो मूंग का जल में परिपाक कर छान कर रस अलग कर लिया जाए वह यूस कहलाता है। ठीक है, और जब अलग नहीं करते तो उनको बोलते हैं सूप। यूस और सूप में अंतर है, जब मूंग दालों का जल में परिपाक करने पर छाना नहीं जाता तो वह सूप कहलाता है, जब छान लिया जाता है जो लिक्विड पार्ट होता है वो यूस कहलाता है। ठीक है, अब मांस रस है, मांस को उबालने के बाद में जो रस तैयार होता है किसी, मतलब किसी किसी भी प्राणी का जो पेय है, पत्त है, जिसमें जिसका मांस अपन खा सकते हैं, उसको जल में उबालने पर जो रस तैयार होता है वो मांस रस कहलाता है। अब वेसावर क्या है, वेसावर क्या है, अस्थि रहित मांस को, देखो नीचे परिभाषा है इसकी, मैं आपको बता देता हूँ। अस्थि रहित मांस को उबालकर उसमें हींग घी जीरा आदि मिलाकर वेसावर बनता है। ठीक है, अस्थि रहित मांस को उबालकर उसमें हींग घी जीरा आदि मिलाकर वेसावर बनता है, यह बल और पुष्टि देने वाला होता है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। अब देखो इनकी मैंने परिभाषा बता दी आपको, मंड की परिभाषा बता दी कि 14 गुना जल में सूख धान्य को पकाने पर छानने पर जो रस तैयार होता है वो मंड कहलाता है। ये वातानुअनुभंग मतलब वात को दूर करता है, पाचक होता है, पचने वाला होता है, दीपक मतलब अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है, स्रोतस माधवकर मतलब स्रोतों के जो अवरोध है उसको दूर करता है, स्वेदक बचे हुए दोषों को निकालता है। इसको शिव कल्याणकारी कहा जाता है क्योंकि ये लघु और सुपाच्य होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जल होता है ना इसमें, इसलिए लघु और सुपाच्य होता है, तो शिव कल्याणकारी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है शिव कल्याणकारी किसे कहा जाता है, तो मंड को शिव कल्याणकारी कहा जाता है। और मंड कैसे बनता है आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, पेय दीपक पाचक मलानुअनुभव मल को बाहर निकालता है, भूख प्यास को दूर करता है, कुक्षी रोग व ज्वर में लाभकारी है, जो ये रोग हैं इनमें फायदा है, इसको पत्ता खा जाता है। देखो पत्त मैंने बताया था ना आपको, सेकंड ईयर में आपको जाऊँ जब आगे सेकंड ईयर में जाओगे तो पत्ते कल्पना नाम से आएगी, तो उसमें पेया मंड और पेया में 14 गुना जल होता है, लेकिन मंड में ओनली द्रव होता है और पेया में थोड़ा सा चावल के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो जरूर होते हैं। ठीक है, बिलेपी 4 गुना जल में होता है, बिलेपी 14 4 गुना बिलेपी। दीपक होती है मतलब दीपक यानी अग्नि को प्रदीप्त करने वाली, ग्राही होती है, अच्छी लगती है, और हृदय हृदय को भाती है, तृष्णा नाशक प्यास का नाश करती है, वरण रोगी और अक्षय रोगी वमन आदि से शुद्ध, मतलब वरण रोगी अक्षय रोगी और वमन आदि से शुद्ध, मतलब इन रोगों में काफ़ी हेल्पफुल होती है, और नित्य स्नेह पान में हितकारी, आप इसको डेली भी यूज कर सकते हो। ओदन से विलेपी, अब देखो यहाँ पे ओदन से विलेपी, विलेपी से पेया, पेया से मंड लघु होता है, क्योंकि मंड में 14 गुना जल होता है, पेया इससे ज़्यादा भारी इसलिए होता है क्योंकि इसमें चावल के छोटे टुकड़े होते हैं, फिर विलेपी क्योंकि 4 गुना होता है। ठीक है, इस तरीके से सबसे लघु कौन होता है, मंड होता है। ठीक है, सबसे लघु मतलब सबसे जल्दी पचने वाला, सुपाच्य सबसे अच्छा मंड होता है। ठीक है, यूस मूंग का जल में परिपाक छाने पर जो अलग रस तैयार होता है वो यूस कहलाता है। ठीक है, बमन आदि से शुद्ध, जो बमन जो पंचकर्म क्रियाएं होती हैं उनमें से जो बमन आदि से शुद्ध हुआ है उसके लिए यूस उपयोगी होता है। ठीक है, वर्ण रोगी में, कंठ रोगी में, कंठ के रोगी जिनमें गले में प्रॉब्लम होती है उनके लिए यूस पीना, मूंग का यूस पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अक्षी रोगों में लाभकारी होता है। ठीक है, वेसावर को मैंने अभी बताया, अस्थि रहित मांस को उबालकर उसमें हींग घी जीरा आदि मिलाकर वेसावर बनता है, यह बल पुष्टि देने वाला होता है। अब देखो इस क्वेश्चन, ये जो पकवान्य वर्ग है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सेकंड ईयर में इसकी एक अलग से बड़ा सा टॉपिक पढ़ने को मिलना पड़ेगा जो इसी से रिलेटेड है, कि मंड क्या है, पेया क्या है, बिलेपी क्या है, यवांगु क्या है, ओदन क्या है। तो ओदन में 5 गुना होता है, यवांगु में 6 गुना होता है, बिलेपी में 4 गुना होता है, पेया और मंड में 14 गुना होता है। ठीक है, यूज को क्या है, वेसावर क्या है, ये क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं और बड़ा भी आ सकता है, आपको एक कृतान वर्ग का 10 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हर जगह आपको काम आएगा। पंचकर्म में भी जब आपको बोलेंगे कि इस व्यक्ति को पेया पिलाना चाहिए कि विलेपी पिलाना चाहिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि आप
वीडियो को पूरा देखा करो। मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखता हूँ, वो शुरू से देखता है फिर जल्दी ही हट जाता है, तो समझ में नहीं आता, इसलिए पूरा वीडियो देखा करो। आई होप आपको पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।